स्टूडेंट्स, हम प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो कि प्याजे के द्वारा चार स्टेजेस में बांटा हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज को इससे पहले के वीडियो में समझ दिया है। आज हम इसके सेकेंड स्टेज को देखेंगे, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। द प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, यह 2 साल से 7 साल तक का प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्री मतलब बिफोर एंड ऑपरेशंस मतलब लॉजिकल थिंक, तार्किक सोच। कहने का मतलब है कि वैसे स्टेज जो तार्किक सोच से पहले का हो, इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि थिंकिंग विदाउट लॉजिकल रूल्स। इस स्टेज में बच्चे प्रतीकात्मक खेल में इन्वॉल्व होने लगते हैं, प्रतीकों का हेर फेर करना सीखते हैं। चिल्ड्रेन बिगिन टू एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले एंड लर्न टू मैनिपुलेट सिंबल्स। इस स्टेज में बच्चे प्रतीकों का हेर फेर, उनका जोड़ तोड़ करना सीख जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड। भाषा का विकास इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। चिल्ड्रन हैव मेंटल पिक्चर्स इन देयर माइंड्स। बच्चे के पास किसी भी चीज़ों का एक पिक्चर्स, एक इमेज उनके माइंड में बना होता है। जब हम उनके सामने फ्लाई बोलेंगे तो उनके माइंड में फ्लाई से जुड़ी हुई बर्ड्स, एरोप्लेन, इन सब की इमेजेस आएंगी। सिंबॉलिक थॉट थिंकिंग इन विच सिंबल्स इंटरनल इमेज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स पर्संस एंड इवेंट्स डेट आर नॉट प्रेजेंट। इस स्टेज में जब कोई चीज़ें सामने नहीं भी होती हैं, वह चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। जब हम किसी बच्चे से बर्थडे के बारे में पूछेंगे तो बच्चे के मन में बहुत सारे गुब्बारे, केक, इन सब की इमेजेस आने लगती हैं। इन सब का इमेज इनके माइंड में बनता रहता है। चिल्ड्रेन कैन आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स मोर फुल्ली। बच्चे के मन में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं और वह अपने वातावरण को एक अलग तरीके से देखते हैं, एक अलग तरह से देखते हैं। इस स्टेज की कुछ विशेषताएं हैं, हम उसे देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। द अर्ली प्री ऑपरेशनल पीरियड एज 2 to 3 years, 2 से 3 साल तक के बच्चों में ये दिखाई देता है। इन चिल्ड्रेन यूज ऑफ द सिंबॉलिक फंक्शंस, चिल्ड्रेन यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, इमेजेस एंड आइडियाज। यह स्टेज 2 से 3 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चे अपनी बातों, अपने आइडियाज को किसी सिंबल्स के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे उसके हाथ एरोप्लेन के विंग्स भी बन जाते हैं और एक छड़ी उसके लिए एक बहादुर सिपाही के तलवार का भी काम कर जाता है। बच्चे कभी बनाना को या किसी भी फ्रूट्स को मोबाइल मानकर बात भी करने लग जाते हैं। कुछ इस तरह से वो अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स को एक किसी भी सिंबल्स के द्वारा दर्शा सकते हैं, हमें बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रीटेंड और सिंबॉलिक प्ले, नाटक करना, प्रतीकात्मक नाटक करना या खेलना प्रतीकात्मक। चिल्ड्रेन प्रिटेंड टू बी पीपल दे आर नॉट, एग्जाम्पल सुपर हीरो, पुलिसमैन, टीचर, डॉक्टर। इस स्टेज में बच्चे वैसे लोग होने का दिखावा करते हैं, वैसे लोग बनने का नाटक करते हैं जो वह नहीं होते हैं, जैसे सुपर हीरो, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, चोर, सिपाही, कुछ इस तरह के खेल खेलते हैं, कुछ इस तरह के रोल प्ले करने लगते हैं।
जैसे कभी डॉक्टर बन जाएंगे, कभी टीचर बन जाएंगे, कभी खुद को बताएंगे मैं तो सुपर हीरो हूँ। एंड नेक्स्ट आ जाता है ईगो सेंट्रिज्म, अहा केंद्रवाद, रिफर्स टू चाइल्ड्स इन एबिलिटी टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीवन एल्स मस्ट सी व्हाट द चाइल्ड सीज एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू द चाइल्ड मस्ट बी इम्पोर्टेंट टू एवरीवन। ईगोसेंट्रिसिज्म का तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति के नज़रिए या दृष्टिकोण से किसी स्थिति या वस्तु को देखने में बच्चों की असमर्थता को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि यह है कि अहंकारी बच्चा मानता है कि सारे लोग ठीक उसी तरह से देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसे बच्चा करता है। बच्चे दुनिया को सबकी नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से देखते हैं। जो उन्हें सही लगता है, जो उन्हें सच लगता है, उसी को वह सच मानते हैं। सेंट्रिक का सबसे अच्छा उदाहरण हम थ्री माउंटेन टास्क से ले सकते हैं, जो प्याजे ने इसी एज के बच्चों के साथ किया। वह यह देखना चाहते थे कि बच्चे किस एज में सभ्य बन जाते हैं या फिर दूसरों की बातें मानने लगते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने लगते हैं। इस टास्क के द्वारा बच्चों के ईगो सेंट्रिज्म की जांच करना था। इसमें तीन पहाड़ों का एक मॉडल सामने दिखाया गया। माउंटेन अलग अलग साइज के थे और एक पहाड़ पर बर्फ थी, एक पे लाल क्रॉस था और एक पहाड़ के ऊपर झोपड़ी बनी थी। एक गुड़िया को बच्चों के सामने रखा गया। बच्चों को 10 तस्वीरें दिखाई गई। बच्चों को यह चुनना था कि 10 तस्वीरों में से कौन सी गुड़िया की सीन सबसे अच्छी तरह दर्शाती थी। टास्क के बाद यह पता चला कि 4 साल के अधिकांश बच्चे उस तस्वीर को चुनते हैं जो उनके अपने दृष्टिकोण से सबसे अच्छी तरह से दिखे। 6 साल की उम्र में अपने से अलग प्रस्पेक्टिव देखी गई। फिर 7 से 8 साल की उम्र तक के बच्चे लगभग अस्पष्ट तस्वीर को स्वीकार करने लगे और लगातार सही तस्वीरों को चुनने लगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। सेंट्रेशन इज द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एट वन टाइम। A child will become completely fixed on one point, not them to see the other point. इस स्टेज में बच्चे 4 साल के हो जाते हैं लगभग। इस स्टेज में बच्चे किसी भी वस्तु के किसी एक पहलू पर ही ध्यान दे पाते हैं, बाकी पर नहीं। अगर हम किसी बच्चों को 2 5-5 के सिक्के देंगे और एक बच्चे को 10 के सिक्के देंगे तो बच्चे जो 5-5 के 2 सिक्के हैं उसे ज़्यादा बताएंगे, ना कि 10 के जो 1 सिक्के हैं उसे। हमारा इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता। दिस इज द इनएबिलिटी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट। दे आर अनेबल टू मेंटली रिवर्स एक्शन। इस स्टेज में बच्चे भार, साइज, वेट, हाइट ये सब नहीं समझ पाते हैं। अगर बच्चे को एक ही साइज के क्ले दिया जाए, एक का बॉल बना दिया जाए और दूसरे को लंबा बना दिया जाए, तो बच्चे यहाँ पे जो गोल साइज होगा, जो लंबे साइज का होगा उसे बड़ा बताएंगे, जबकि दोनों क्ले एक ही साइज के होते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिफिशियलिज्म, कृत्रिमता। दिस इज द बिलीव दैट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पीपल। एग्जांपल, क्लाउड्स इन द स्काई। इस स्टेज में बच्चे को यह विश्वास होता है कि जो उनके आसपास के पर्यावरण के कुछ चीज़ों को इंसान बनाते हैं, जैसे बारिश, आकाश में बादल, समथिंग। बच्चे ये समझने लग जाते हैं, बच्चे यह समझते हैं कि जो बारिश हो रही है वो कोई इंसान कराता है, आकाश में बादल है उसे कोई इंसान बनाता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमिज्म, जीववाद। चिल्ड्रन बिलीव दैट एनीथिंग दैट मूव्स इन इज अलाइव इज कॉल्ड एनिमिज्म। दिस इज द बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स सच एज टॉयज, टेडी बियर्स हैव ह्यूमन फीलिंग्स
एंड इंटेंशंस। जीववाद का मतलब यह हुआ कि बच्चे इसमें सारी चीज़ों को जीवित समझते हैं। उनको यह विश्वास होता है कि उनके खिलौने, टैडी बियर, उनके डॉल्स सब जीवित हैं। डॉल्स के गिर जाने पर बच्चों को लगता है कि उसे चोट लग गई होगी, वह गोद में लेकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। प्याजे ने एनिमिज्म के भी 4 स्टेजेस बतलाए हैं, जिसमें 2 स्टेज तो इस स्टेज में डेवलप होते हैं और बाकी के 2 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। यहाँ पे हम उन्हीं 2 स्टेज को देखेंगे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होते हैं। अप टू द एज 4 or 5 ईयर्स द चाइल्ड बिलीव डैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अलाइव एंड हैज़ अ पर्पस। 4 या 5 साल की उम्र तक बच्चे मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें उनके आसपास हैं सब जीवित हैं और सबका एक उद्देश्य है। एंड नेक्स्ट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज 5 to 7 ईयर्स ओनली ऑब्जेक्ट्स डैट मूव हैव अ पर्पस। 5 से 7 वर्ष के दौरान बच्चे यह समझते हैं कि सिर्फ चलने और घूमने वाली वस्तुओं का ही एक उद्देश्य होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सेंसरी मोटर स्टेज के 6 सब स्टेज देखे थे, वैसे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज के भी प्याजे ने 2 सब स्टेजेस बताए हैं। फर्स्ट, प्री कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, यह 2 से 4 साल तक का माना गया है। इसमें बच्चों में अल्प विकसित अवधारणाओं का निर्माण होता है। इस स्टेज में किसी भी चीज़ों को लेके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। बच्चे इसमें चीज़ों का वर्गीकरण उसकी समानताओं के आधार पर करते हैं, उसकी किसी एक गुण के आधार पर करते हैं, जबकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। बच्चों को हम बताते हैं कि 4 पैर वाले जानवर ये गाय होती है, तो अगली बार बच्चा जब भी कुत्ते को भी अगर वो देखेगा तो वह उसे गाय ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ सिर्फ 4 पैर की सिमिलरिटीज़ को ही समझ पाया है, उसी पर ध्यान दे रहा है, बाकी चीज़ों पे नहीं, ना साइज़ पे, ना आवाज़ पे, ना रंग पे। वरना 4 पैर की समानता के कारण बच्चे ने कुत्ते को गाय बतलाया। एंड नेक्स्ट है हमारा द इंट्यूटिव थिंकिंग 4 से 7 साल तक के। इस स्टेज में बच्चे यह बताना चाहते हैं कि वह सब जानते हैं बिना किसी तार्किक सोच के, और वह नए नए सवाल करते हैं। उनकी क्वेश्चंस का मुख्य बेस क्यों और कैसे होता है, सेब लाल क्यों होता है, पंखा कैसे चलता है, कुछ इस तरह के सवाल उनके मन में आते रहते हैं और वह इनके जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टेज के साथ। थैंक यू।